तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एस्केप इस एंशिएंट सिटी से, और साथ ही में कुछ चैलेंजेस भी, जैसे कि वार्डन के हाथों से न मरना, अरे मोरी भैया, या फिर इस पोर्टल तक पहुंचकर अपनी एक सेल्फी खिंचवाना। खैर मैं काफी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ इस वुल के पास, एंड आई थिंक इसके अंदर मुझे डायमंड्स के ब्लॉक मिल जाए। खैर तुक्के लगाने से अच्छे के देख ले। नहीं यहाँ पे बस लकड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है हमारा काम हो चुका है, अब हम अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल ही सही बना तो सकते हैं, और ये मैंने अपनी एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली है। एंड अब यहाँ से चलते हैं फटाफट और वुड। वो डायमंड भाई, डायमंड पहले बारी में डायमंड, वो भी दो डायमंड। अब सब कुछ काम धंधा छोड़ो, अब तो आयरन की पिकैक्स चाहिए भाई मेरे को। वेट ओ वो क्या है, आई थिंक सो ये स्कल्क सेंसर है राइट, और ये काम कैसे करता है यार? इसको एक्टिवेट करने के लिए आवाज करना पड़ता है ना। वेट रुको मैं करता हूँ। वो भाई ये अभी एक्टिवेट हो जाता। गाइज मैं अभी ऐसी कोई हरकतें नहीं करने वाला हूँ, मैं बस वुड डायमंड एंड कुछ चेस्ट लूट के भाई ऐसे निकल जाऊंगा भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे मैंने तो आवाज भी नहीं करी, ये कैसे? अरे बाप रे, ताऊ प्रकट हो गया माई रे। देखो अगर मैं यहाँ पे आवाज ही नहीं करूंगा तो वो कैसे ही आएगा, ठीक है? मुझे बस अब जाना रे, इधर से जाना है शेमड़े, इधर मत घूम। नहीं नहीं ये मार रहा है क्या? ओ ओ भागो भागो, अरे अरे बाबा भागो रे। ओके गाइज मैं वहां से निकल आ चुका हूँ एंड मुझे वुड भी दिख चुका है, अब बस हमें वहां से वुड लेना है, शांति से निकलना है। एंड क्या मतलब वो फिर से आएगा? नहीं भाई, भाई एक ही बारी में कैसे आ रहा है यार, हार्ट फेल क्या मेरा सेट? भाई कल्ट लो भाई, यहाँ से चुपचाप निकलना पड़ेगा, रुको। 5 minutes later. Guys, ये मेरी सेकंड टाइम थी भाई वार्डन से लड़ने की। खैर मैं वहाँ से आ चुका हूँ एंड मुझे वुड भी मिल चुका है, तो फटाफट से वुड लेते हैं एंड निकलते हैं भाई यहाँ से, मुझे पंगे नहीं चाहिए बस। ऑलराइट तो अब जल्दी से एक अपने लिए पिकैक्स बना लेते हैं, वुड तो आ ही चुका है, ये बन गए पिकैक्स। एंड अब हम जाके स्टोन तोड़ लेते हैं, कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से स्टोन इकट्ठा करने के कुछ देर के बाद। गाइज अब मेरे पास सॉर्ड एक्स एंड पिकैक्स आ चुके हैं, अब हमें बस चाहिए होगा आयरन, एंड वो कहाँ पे मिलेगा वो भी मुझे पता है, ये देखो ये रहा। अब मुझे बस इसको शांति से तोड़ना होगा बिना किसी आवाज करे, एंड यहाँ पे और होगा आयरन आई थिंक। मच लेटर। तो गाइस सारा का सारा आयरन रेडी हो चुका है एंड अब हम लोग को बनानी होगी पिकैक्स, तो ये देखो पिकैक्स भी रेडी हो चुके हैं एंड अब चल के हम लोग अपने डायमंड्स को कलेक्ट करते हैं, और ये देखो ये रहे हमारे डायमंड्स। अब मैं फटाफट से इनको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड तुमसे कुछ देर के बाद मिलता हूँ। चलो भाई काम हो गया फटाफट से, अब अपने लिए चेस्ट प्लेट बना लेते हैं, फिलहाल इतने ही डायमंड है मेरे पास। और ठीक है बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट करने के बाद, मतलब अभी तक वो मिले तो नहीं थे, खैर मैंने बाद में कुछ चैलेंजेस कंप्लीट किए जैसे कि चेस्ट लूटना एंड बाकी सब, ये सारी बकलोली करके मैं निकल पड़ा उस पोर्टल की तरफ अपनी सेफ्टी खिंचवाने के लिए। सच कहूँ तो ये इतना आसान नहीं था क्योंकि पोर्टल कुछ ज्यादा ही ऊपर था यार, पहुंचने में दिक्कत जा रही थी। और फिर कुछ हथियार भी बनवाए और एक चड्डी भी बनवाई, लेकिन मैं उसे पहन नहीं पा रहा था क्योंकि क्या कर्सा बेंडिंग, अब मतलब मैं मर जाऊँ तब तक ये निकलेगी नहीं, तो फिर मैं इसका क्या करूँ, हैं फेंको इसको यार। और एक बढ़िया सा एंगल देख के मैंने अपनी एक सेपली खिंचवा ली एंड फिर बिना किसी देरी के मैं यहाँ से भाग गया, पर फिर भी एंड में ये हुआ। अरे यार नहीं भाई, अबे ताऊ फिर से प्रकट होगा, नहीं यार मुझे जाने दो भाई यहाँ से, एंड देन मैं वहां से निकल भी गया। ओके गाइस तो अब मैं तुम लोग को ऊपर जाके मिलता हूँ, ठीक है? 15 मिनट्स लेटर। यार इस एंशिएंट सिटी को इतना नीचे क्यों डाल दिया यार, ऊपर आने में दम निकल गया मेरा सारा का सारा। खैर पर मैं अब ऊपर तो आ ही चुका हूँ, अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी वही खेती बाड़ी वाली जीऊंगा आराम से। तो जैसा कि तुम देख सकते हो चैलेंज मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंड अगर तुम्हें ये चैलेंज पसंद आया हो मतलब वीडियो, तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।